नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लखनऊ में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचने वाली है। उनके आगमन पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनके पोस्टर की झड़ी लगी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट पर हुजूम उमड़ा है कार्यकर्ताओं का, और ये हुजूम है प्रियंका गांधी के लिए, जिसमें तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी के आगमन की जोरों शोरों से तैयारियां की गई हैं। कुछ ही देर में प्रियंका गांधी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी, और इस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रोड के रास्ते से वो कार्यालय पहुंचेंगी। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी उनके पोस्टर की झड़ी लगी हुई है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस तरह से हमने अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में देखा किस तरह से अराजकता हुई, किस तरह से न्याय कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, महंगाई के मुद्दे हैं, किसानों के हैं, नौजवान की बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को लेकर के और 2022 की किस तरह से कांग्रेस तैयारी करेगी, किन मुद्दों को लेकर जाएगी, इन पर चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा। वरिष्ठ नेता सब बैठेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता बैठेंगे, उनसे संवाद करेंगे प्रियंका जी, और अपने 3 दिवसीय इस प्रवास पे 2022 में एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी एक विकल्प बनकर के उत्तर प्रदेश में आएगी। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मार्तंड जुड़ चुके हैं। मार्तंड, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर? जी देखिए, प्रियंका गांधी अपने लखनऊ 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो लखनऊ लैंड करेंगे, वहां एयरपोर्ट से लेकर सीधे जो कांग्रेस कार्यालय है माल एवेन्यू में वहां जाएंगी। रास्ते में कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह उनका स्वागत होगा। पूरे शहर को कल से ही पूरे शहर को पाट दिया गया है उनके स्वागत में, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग तरीके का उत्साह है। एयरपोर्ट से लेके और कांग्रेस कार्यालय तक जगह जगह लोगों का जमावड़ा है, कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, और उनकी उम्मीद भी जायज है, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरीके से कांग्रेस इस समय अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में लगातार हाशिए पे चल रही है, लगातार वोटिंग परसेंटेज उनका कम हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी के चेहरे पे देखा हमेशा ये गया है कि जब भी प्रियंका गांधी का आगमन होता है तो कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश नजर आता है, और इसी तरह की तस्वीरें आज भी देख पा रहे हैं। क्या लगता है कौन सा वो मंत्र लेकर आने वाली है जिससे आज प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं में और भी ज्यादा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरेंगी? देखिए बिल्कुल, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट करती रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरती रही हैं। बेरोजगारी, मसलन महिलाओं के ऊपर जो जुर्म हो रहे हैं उनको लेकर लगातार सरकार को घेरती रही हैं। कोई भी सरकार का कार्यक्रम हो उस पर हम लोग ने देखा है कि लगातार प्रियंका गांधी का रिएक्शन आता रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक उम्मीद जगी है कि प्रियंका गांधी का जो ये एटीट्यूड है, जो अटैकिंग मोड में वो रहती हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। और ये कांग्रेस जिस तरीके से लगातार वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है कांग्रेस का, तो अब कार्यकर्ताओं की उम्मीद प्रियंका गांधी से ही है, क्योंकि इससे पहले देखा गया राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में तमाम दौरे किए, उनका कोई खास कमाल नहीं रहा, लेकिन प्रियंका गांधी चूंकि एक नया चेहरा है और थोड़ी उनकी पैट भी है, सहानुभूति भी है उनके साथ, क्योंकि उनके में लोगों को इंदिरा गांधी या उनकी दादी का अक्स भी दिखता है, तो उसको लेकर लगातार जो है, और उनका एटीट्यूड जो है वो भी उनकी तरह बताया जाता है कि इंदिरा गांधी की तरह एटीट्यूड है, तो यही सब चीजें हैं जिनको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनकी जुड़ी हुई है। राहुल गांधी का जादू तो नहीं चलता है, लेकिन प्रियंका गांधी का चेहरा बहुत ज्यादा कमाल करे ना करे चुनावों में, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, और हर बार वो उत्तर प्रदेश के खासकर मुद्दों को लेकर मुखर भी दिखाई देती है योगी सरकार के खिलाफ, और वो लगातार उन मुद्दों को सामने रखती आई। हालांकि बीच में उन्होंने सक्रियता दिखाई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता कम हो गई, और एक बार फिर उन्होंने ये समझ में आ गया है कि चुनाव नजदीक है तो आगमन और कार्यकर्ताओं से बातचीत करना ये जरूरी हो गया है मार्तंड। इसीलिए 3 दिन के दौरे, वो 3 दिन लखनऊ उत्तर प्रदेश में रुकेंगी, अमेठी रायबरेली का भी दौरा करेंगी, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगी, लोगों से भी जुड़ने की कोशिश की जाएगी, काफी कुछ वाला है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर पिछले कुछ समय से बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस अध्यक्ष बदलने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, उसके बाद से कांग्रेस लगातार अटैकिंग मोड में आ गई, और इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की ही प्लानिंग थी। और प्रियंका गांधी लगातार जो है जिस तरीके से उनका रिएक्शन आता है वो साफ तौर पर दिखता है कि वो किस तरीके से बिल्कुल अटैकिंग मोड में है, और वो जो है उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी ट्वीट हो उस पर जरूर जो उनके विकास कार्यों का और रोजगार को लेकर इन तमाम जो ट्वीट होते हैं उन पर उनका रिएक्शन जरूर आता है, और वो लगातार जिस तरीके से करती है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक विश्वास जगाता है कि अब जो है जो संगठन स्तर पे और पूरे उसमें जो है बदलाव होगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक मतलब हाथी पे चली गई थी वो फिर से जीवित हो जाएगी, और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में आज उत्साह है। लगातार आएंगी प्रधानमंत्री, लगातार बैठकों का दौर चलेगा, और अलग अलग जो कार्यकर्ताओं के संगठन है उनसे उनकी मुलाकात होगी, बातचीत संवाद करेंगी। एक चीज मानी जाती है कि प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद करती है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, वो छोटे कार्यकर्ताओं को भी उतने ही फोकस करती है जितना बड़े कार्यकर्ताओं पे उनसे सीधा संवाद करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो काम करने का उनका तरीका है, बिल्कुल मार्तंड, ये तरीका कितना काम आएगा विधानसभा चुनाव में ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या लगता है कितनी देर में, क्योंकि 12 बजे आगमन की बात कही गई थी, अभी तक प्रियंका गांधी नहीं पहुंची हैं, क्या लगता है कितनी देर में प्रियंका गांधी पहुंच? जी देखिए बिल्कुल 12 बजे का समय पहले बताया गया था, लेकिन अब थोड़ा सा डिले हो गया है। बताया जा रहा है कि जो है मतलब कुछ प्रोटोकॉल में जो थोड़ी सी फेरबदल हुई है जिसकी वजह से ये डिले हुआ है, और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले आधे घंटे के अंदर जो है प्रियंका गांधी जो है लखनऊ आ जाएंगी, और ऐसा बताया जा रहा है। अभी हालांकि ये भी खबर नहीं मिल पाई है कि दिल्ली से वो रवाना हुई कि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगले आधे से घंटे के अंदर वो प्रियंका गांधी लखनऊ होंगी, और एयरपोर्ट से सीधे जो है वो कांग्रेस कार्यालय जाएंगी। बीच में कई जगह स्टॉपेज होंगे जहां पे वो कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। हजरतगंज जीपीओ होते हुए वो कांग्रेस कार्यालय जाएंगे, इसीलिए कार्यकर्ता जगह जगह पे इकट्ठा है उनके स्वागत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सज धज के तैयार हो चुका है कांग्रेस कार्यालय। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट देते रहिए। तो कांग्रेस कार्यालय सज धज के तैयार हो गया है प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर, कार्यकर्ता भी तैयार है, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ नजर आ रही है। 12 बजे का आगमन था, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच जाएंगी, और 3 दिन तक वो लखनऊ में ही रुकेंगी, अमेठी रायबरेली का भी दौरा करेंगी, जनता के बीच जाएंगी, उसको लेकर भी वो अब कार्यकर्ताओं से मंथन करेंगी। जमीनी राजनीति जो उनकी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस आगमन को लेकर प्रियंका गांधी के पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस कार्यालय को सजा दजा के तैयार कर दिया गया है, कार्यकर्ता भी पूरी तरह से तैयार हैं, और प्रियंका गांधी कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के रास्ते से होते हुए कई जगहों पर उनके कार्यक्रम भी कार्यकर्ताओं द्वारा रखे गए हैं, जिसको वो करेंगी। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगी, और फिर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। We'll be right back.